तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडलर ऑफिशियल। आज भाई फाइनली काफ़ी दिनों के बाद ना बारिश रुक चुकी है, तो हम कुछ पतंगे तंगे लेकर आए थे, हमने सोचा आपको दिखा दूं। और देखो बारिश हो रही थी तो एक चीज़ तो आपकी पतंगों के साथ भी हुई होगी, आपकी पतंग के भी पक्का सीलन जरूर खाई होंगी और उसमें फंगस आ गई होगी जिसे आप फफूंद कहते हो। तो वो आप कैसे सही कर सकते हो पहले पूरा मैं आपको बताऊँगा और कुछ अपना कलेक्शन भी दिखाऊँगा जो मैं लेकर आया हूँ। और पतंगे तो सामने आप देख ही सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पतंगे रखी हैं। और जो कोने पतंग रखी है ना, वो हमारी पतंगे कुछ ख़राब हो गई हैं यही बारिश के सीजन में, वो हम कैसे सही करेंगे वो भी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले भाई आज बारिश रुकी तो हवा काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे आप देख सकते ऊपर आप देखो भाई पतंगबाजी देखो, हवा मस्त चल रही है एकदम पुरवाई में। और पतंग तंगे देखो पीछे से कटके भी आ रही है, वो बंदा लपेट रहा है, तो मतलब पतंगबाजी भी अच्छी खासी हो रही है। आज तो मैं आपके लिए ये काइट कलेक्शन की वीडियो बना रहा हूँ और आज ही मैं जल्दी से काइट फाइटिंग भी करूँगा, उसकी वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। और पतंगे सामने यार झुंड के झुंड कट रहे हैं पूरे, और लपेटने वाले काफ़ी हैं, हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई है तो आज पतंग उड़ाएंगे, लड़ा के आप लोग को दिखाएंगे। तो जल्दी से ये वाली वीडियो बनाते हैं काइट कलेक्शन की, और कल वीडियो आ जाएगी काइट फाइटिंग की, जो कि हम आज ही बना रहे हैं लेकिन आपको कल मिलेगी। ऊपर देखो यार ये पतंग, मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग भी हो रही है, हवा काफ़ी अच्छी, ये पतंग बढ़ के आ रही है और ये पतंग लड़ेगी इस वाली पतंग से जो यहाँ पे खड़ी है मेरे सर के ऊपर, ये लड़ेगी और ये बढ़ के आ रही है अपोनेंट की पतंग। तो थोड़ी बहुत हवा रुक के मतलब हवा चली है, तो यहाँ पे भाई क्लब वाले भी चढ़ गए पेज में लड़ाने, तो दिखाते हैं पूरा आपको। चलो भाई शुरू करते हैं हम ये वाली पतंग से। अब ये पतंग ना हमने पकड़ी थी अपनी छत से पकड़ी थी, करीब इसे एक डेढ़ महीना हो गया और तब से ये पतंग मैंने उड़ाई नहीं है, लेकिन जल्दी उड़ाएंगे आपको दिखाएंगे। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, पतंग इतनी शानदार ये बनाई गई है लेकिन किसी भी मेकर का नाम नहीं लिखा है इसमें। और यहाँ पर देखो कितने बारीक जोड़ जोड़े हैं इसमें, पतंग भी बढ़िया पतंग है। और इधर से मैं दिखाऊँ सामने से, तो टेपिंग वेपिंग करके उड़ाई है। जिस दिन ये पतंग मैंने पकड़ी थी उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी दिन में, तो मौसम काफ़ी ख़राब था, इसलिए टेपिंग करके उड़ाई ताकि जोड़ना खुल जाए इस पतंग के। पतंग काफ़ी बढ़िया, अगर किसी को पता कि बरेली में किसके हाथ की पतंग हो सकती है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद ये पतंग तो भाई मैंने अभी पकड़ी है, जो मैंने ऊपर दिखाया ना आपको, पतंग तंगे पीछे से कट के आ रही है, ये पतंग कट के आई, एक बंदे ने लपेटी लेकिन उसने उसके कन्ने ही काट दिए और ये पतंग सीधे हमारे घर में लैंड करी है। उसके बाद लोकल पतंग है चील काट, लेकिन चील काट ही उड़ती है अब तो यार, गोल फार्मिंग की पतंग उड़ाता ही कौन है, सबको मार ढाड़ के पेच चाहिए। ये पतंग भी पकड़ी थी काफ़ी दिनों पहले, ऐसी रखी थी, इसे साइड में रखते हैं, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब आते हैं अपनी पतंगों पे जो हम खरीद के लेकर आएँ। अब आपको पता ही है इतने दिनों से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला फर्मा तो भाई मेरे दिल को छू गया है। मैं जितनी पतंगें ले रहा हूँ सब इसी फर्मे में ले रहा हूँ, क्योंकि इस फर्मे में चाल ढाल हल्की फुल्की सब पतंगें आपको मिल जाती हैं, और खिंचाई के मतलब कि एक नंबर की पतंग है ये, आप देख सकते हैं कितनी रसीली पतंग है। और रेट बताऊँ, यहाँ कन्ना बांधो मज़ा दे देगी। और रेट की बात करें कितने की होगी, अभी तक आपने गैस कर लिया होगा भाई, ज़्यादा महंगी नहीं, 14 रुपए की पतंग है, लोकल पतंग है बरेली की, लेकिन अच्छे अच्छे को मात दे देगी, पतंग काफ़ी शानदार है, 300-500 मीटर तक लड़ाओ बढ़िया पतंग लड़ रही है। और अजंता पेपर, ऐसे सील का मौसम है तो ये वाला पेपर उड़ा रहे हैं, अब हम चाहो तो खट्टी में भी उड़ा सकते हो, खट्टी में भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा जाड़ों के मौसम में। अब यहाँ पे मैं 50 पतंगें लेकर आया था, 8-8 के मैंने चौक बना लिए, 2-3 पतंगें मेरी नीचे पड़े हैं, 2-3 चौक। और एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पर कमांड हड्डी आप देखोगे तो सिके हुए कमांड हड्डे हैं, मतलब दोबारा सिकाई हुई है, एक बार तो सिकाई हुई उसके बाद जब छीला फिर दोबारा सेका गया है, उसके बाद ये पतंग बनी है। और 14 रुपये में इतनी बढ़िया पतंग, कोई सी पतंग उठा लो सब आपको मीडियम पतंग मिलेंगी, मीडियम हल्की, भारी कोई नहीं होगी इसमें, मैंने भारी ली भी नहीं है क्योंकि जहाँ से मैंने ली थी मैंने पहले कहता था भाई मुझे तो हल्की दो या मीडियम दो, भारी मत देना। अब यहाँ पर आके ये पतंगें हो गई ख़त्म, 8-8 के चौक हैं आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नीचे पतंग है ना, ये एकदम मैंने अच्छे से पतंगें रखी हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर से तंबाकू उम्बाकू डाल के रखा, तंबाकू मिर्च पूरी सेट करके रखी है पतंगें, क्योंकि कीड़ा काफ़ी जल्दी लग जाता है पतंग में। और जो ये नई पतंग है इसे भी हम जल्दी से बैग में डाल देते हैं, और आजकल में ना हम इनको भी पूरा सेट करके रख देंगे, इनके ऊपर भी तंबाकू नेपथलीन बॉल और आपकी मिर्च, ये तीन चीज़ें अगर आप डाल देते हो और नीम की पत्ती, तो आपकी पतंग ख़राब नहीं होने वाली, एक महीने तक सही रखी रहेगी, एक महीने बाद फिर बैग खोलो देखो सही है नहीं सही है तो दोबारा डाल दो, पतंग एकदम ऐसी रहेगी, कोई घुनघुन नहीं लगेगा, मैं तो यही करता हूँ। तो ये वाली पतंग तो हमने कर ली है पैक, अब जो हमारी मंजूली और छोटी पतंग है वो दिखाते हैं आपको, आप इन्हें रखते हैं अलग, चलो भाई तुम जाओ इधर, अब दिखाते हैं आपको
ये वाली पतंग अभी दिखाऊंगा, ये कुछ खराब हो गई है, आप कैसे सही कर सकते हैं ये भी अभी पूरा बताऊंगा, इसे साइड में रखते हैं, एंड में दिखाऊंगा। उससे पहले ये वाली पतंगें देख लो, ये पतंग जो मैंने अभी काइट शॉप की वीडियो बनाई थी वहां से मैं लेकर आया था, काफ़ी शानदार पतंग है। थोड़ी सी महंगी पड़ी थी, 6 रुपए की मुझे पड़ी थी, हालांकि मैं 4 रुपए की लेता हूँ मंजूली, लेकिन ये था कि ये पूरी छिले हुए कमान ठड्डी की पतंग है, तो हमने सोचा चलो यार पतंग अच्छी मिल रही है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है ले लेते हैं। तो 6 रुपए की मंजूली पतंग पड़ी है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया पतंग है, थोड़ी बहुत भाग रही है, आप एक बार कमान लगाओगे एकदम सीधी पतंग चल रही है। इसमें एक येलो पत्ते में लेकर आया था और दूसरी लाता हूँ ब्लैक पत्ते में। ये सोचो आप इसे कह सकते हो पौनी का छोटा वर्जन है ये एकदम, मतलब बड़ी पौनी होती है ना उसी में की छोटी पौनी आपको देखने को मिल रही है एकदम छिले हुए कमान ठड्डे की, ये देखो। और एक चीज़ और है, अगर आपकी पतंग में ना ऐसी सिकुड़न आ गई, जैसे कि अभी सील का मौसम तो अजीब सी हो गई पतंग है, एक बार आप धूप दिखाओगे, ये धूप आई मेरी तरफ और पतंग देखो आईना बन गई है पूरी, जितनी पतंग के साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है, बस धूप में डालो पतंग पूरी सही हो जाएगी। अब ये पतंग हम लाए थे 5 रुपए की, ये देखो यार 5 रुपए में, इसके कमान ठड्डे छिले पे नहीं है, ये चुटकी वाले कमान ठड्डे 5 रुपए की अद्दी पतंग, 6 रुपए की मंजूरी थी उसमें छिले हुए कमान ठड्डे लगे थे, लेकिन यहाँ पे 5 रुपए की आपको अद्दी मिल रही है क्योंकि ये चालू में आ जाएगी। लेकिन हमने सोचा यार इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं ये कैसा वर्क कर रही है पतंगें, तो इसका भी मैं एक ही चौक लेकर आया हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आया हूँ, तो इसे अलग रखते क्योंकि और तो मुझे मिले नहीं। और यहाँ पे फाइनली एक और चौक आपका मंजूली का, और एक बार कमान ठड्डे इसके दिखाऊँ, तो ये देखो कमान ठड्डे देखो एकदम छिले हुए कमान ठड्डे, थोड़ा रेट महंगा है लेकिन इसीलिए क्योंकि इसमें कमान ठड्डे छिले हुए और सिके हुए लगे, हालांकि ऐसे आपको मंजूली पतंगे में देखने को नहीं मिलेंगे, और फिनिशिंग वाली पतंग एकदम आईना हो रही है। तो ये तो हो गई आपकी मंजूली पतंगे, अब भाई बात करते हैं इन पतंगों की और आपकी पतंगों की, अगर बारिश के सीजन में आपकी पतंगें भी हो गई हैं ख़राब तो आप कैसे सही कर सकते हैं उन्हें। अब बारिश के सीज़न में जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ना हर पतंगबाज के साथ, वो ये होती है कि उसकी पतंगों में फंगस लग जाती है, फफूद। तो यार आप इसे कैसे सही कर सकते हो और अपनी पतंगों को कैसे बचा सकते हो। अब मेरी एक ये पतंगें थी, मतलब एक चौक है इस पतंग का, अब यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाऊँ ना, तो ये देखो यार कैसे इसमें पूरी फंगस लगी है, फफूद। और ये बारिश के मौसम में हर चौक में आपके लग जाएगी, जो जो पतंगें आपकी बाहर पड़ी रहेंगी ना, अगर बैग में तो नहीं लगेगी, कभी कभी बैग में भी लग जाती है, लेकिन जो पतंगें आपकी बाहर रखी रहेंगी उसमें तो भाई ये लगना लगना ही है। तो इनको आप कैसे सही कर सकते हैं, और अगर आप इनको ऐसे ही डाल दें पतंगों को कुछ भी सही नहीं करेंगे तो ये बाद में चल के इसी में आपकी कमानें ख़राब हो जाएंगी, बहक जाएंगी, या फिर इसमें आपका घुन लग जाएगा और पतंग ये पूरी आपकी कमान खा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी कपड़ा लो और बस इसे ऐसे हटा लो, अभी तो मैं हाथ से हटा रहा हूँ, फिलहाल आपके पास कपड़ा हो तो आप कपड़ों से इसे हटा लेना पूरी, जिस भी कमान ठड्डे में लगी होगी बस ऐसे इसे रब कर देना है और ये पूरी हट जाएगी। रब करने के बाद पतंगों को अपना थोड़ा धूप में डाल दो थोड़ी देर के लिए, धूप में डालने के बाद जब पूरी आप पोंछ लो धूप में डाल दो पूरी पतंग नई जैसी हो जाए, उसके बाद आप इसमें नेप्थिलीन बॉल और तंबाकू मिर्च और नीम की पत्ती डाल दो, पतंग आपकी एकदम सही रहेगी। तो अगर आपकी पतंगों में भी ऐसी लग गई है ये, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस हल्का सा कपड़ा मार दो उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर भी लगी है, जिस भी कमान ठड्डे में लगी है कपड़ा मार दो, और उसके बाद जब वो साफ हो जाए पूरा तो धूप में डाल देना, उसके बाद चाहो तो ऐसे ही रख दो या फिर जो जो मैंने बताया नेप्थिलीन बॉल नीम की पत्ती ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। तो हमारी पतंगें भी आप देख सकते हैं कुछ ही हो गई हैं ख़राब, फिलहाल मैं ख़राब नहीं कहूँगा ये मैं सही कर लूँगा, अभी धूप जैसी आती और तेज होगी धूप तो इसमें पूरा कपड़ा मार के इन पतंगों को पूरा मैं सही कर लूँगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग की पतंग में भी क्या ऐसी कुछ फंगस फंगस लगी है, और अगर लगती है तो आप कैसे सही करते हो। भाई मेरा तो यही तरीका है, आप लोग मुझे अपना तरीका कमेंट करके जरूर बताना, और आज की जो मैं पतंगें मैंने दिखाई हैं जो मैं लेकर आया हूँ आपको कैसी लगी, आपकी तरफ कितने की मिलती है मंजूली पौनी, जितनी पतंगें दिखाई कितने की मिलती है कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो काइट फाइटिंग के ऊपर आ जाएगी, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।